हड्डियां जुड़ने में कितना समय लगता है, अगर मेरी हड्डी टूट गई है तो कितने दिन में जुड़ जाएगी, ये आज इस वीडियो में बताऊंगा। अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आई एम प्राउड फादर ऑफ टू चिल्ड्रन एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। हड्डी का जुड़ना एक, मैं बार बार बोलता हूँ कि हड्डी का जुड़ना एक कुदरती प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि किसी डॉक्टर की औकात है चाहे किसी इंसान की औकात है वो आपकी हड्डी जुड़ी है। वो हड्डी का जुड़ना शरीर के अंदर नेचुरल भगवान का बनाया हुआ एक प्रक्रिया है और हम सब हड्डी जुड़ने का एक समय है। ऐसा नहीं है कि आप अगर डॉक्टर से बोले, अगर डॉक्टर के बस में रहे तो डॉक्टर वो आपका हड्डी जल्दी जोड़ देगा। वो एक फिक्स टाइम है, इतना समय तो लगेगा ही लगेगा। इसमें दो तीन फैक्टर्स एक रिस्पॉन्सिबल है कि कितने दिनों में हड्डियां जुड़ता है। एक तो पहला आपका एज, बच्चों का चाहे अगर देखा जाए तो इन्फेंट का जो जब जस्ट जन्म लेते हैं, बच्चे जो रहते हैं जो जस्ट बर्थ करते हैं, कितना बार बर्थ फ्रैक्चर भी हो जाता है कि हड्डी बच्चा का जब जन्म ले रहा है उसी वक्त अगर थोड़ा सा खींचतान हुआ, ये बहुत ही कॉमन है, एक कॉलर का हड्डी टूट जाता है, कितना ये हाथ का हड्डी टूट जाता है बच्चों का। और इसको जुड़ने के लिए बहुत कम समय लगता है, कितना बार तो पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है और बिना कुछ किए भी हड्डी जुड़ जाता है। तो अगर उम्र बच्चा का है या फिर आप बूढ़े हैं, आपका एज क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हड्डी के जुड़ने के लिए। बच्चों में जो बिल्कुल अभी जन्म लिए हैं उनमें कम से कम 2 वीक्स लगता है हड्डी जुड़ने में, और 2 वीक्स का जो समय है, मिनिमम 2 वीक्स का समय लगता है। जैसे जैसे उम्र रहता है उसके अनुसार बढ़ते जाता है, मैं बताऊंगा आपको। दूसरा एक फैक्टर, एक तो पहला हो गया एज, दूसरा कि कहां की हड्डी टूटी है। सब हड्डी एक जैसा नहीं रहता, सब हड्डी एक ही जैसा, कितना लोग बहुत बार कंपेयर करते हैं। मरीज बोलता है कि सर उनका हड्डी तो जुड़ गया, वो हमारे साथ ही आए थे, उनका भी हड्डी ही टूटा था। तो सबका हड्डी अलग अलग है भाई, कहाँ का हड्डी टूटा है आपके अनुसार तो पैर का ही, पैर में भी कहाँ कहाँ का हड्डी रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस जगह का है। मोटा मोटी अगर समझे तो ऊपर माने हाथ की हड्डियां, अपर लिम की हड्डियां जुड़ने से जो थोड़ा जल्दी जुड़ती है, और पैर की हड्डियां उसके डबल समय लगता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हड्डी के जुड़ने के लिए कि वो हड्डी जगह पे है कि नहीं, क्योंकि हड्डी दो ही चीज से जुड़ती ही है। एक तो कि अगर हड्डी दूर दूर है तो उसको नजदीक ला दीजिए, और नजदीक ला के एक जगह रहे, हिले डुले नहीं। अगर हिले डुलेगी तो आपकी हड्डी कभी नहीं जुड़ेगी। अगर क्योंकि एक्चुअली मैं बार बार बोलता हूँ कि हड्डी का जुड़ना नेचुरल प्रक्रिया है, अगर आम भाषा में बोले तो भगवान उसको जोड़ते हैं। अगर हड्डी एक जगह आ जाएगी और एक जगह रहेगी तो जुड़ जाएगी। अगर रोज भगवान जोड़ रहे हैं और रोज आप उसको तोड़िएगा तो कभी भी नहीं जुड़ेगी। कुछ दिन भगवान कोशिश करेंगे उसको ऐसे छोड़ देंगे, जान दो इसको रोज मेहनत करते हैं, सवेरे जोड़ते हैं, शाम को हिला देता है, तो ऐसा नहीं जुड़ता। तो कुछ दिन हड्डी को एक जगह रहना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। मोटा मोटी अगर समझे तो बच्चा लोगों में हड्डी जुड़ने के लिए मिनिमम अगर इन्फेंट नहीं है तो 3 वीक्स लगेगा। अगर बच्चा है बिल्कुल जन्म जस्ट लिया है तो 2 वीक्स में जुड़ जाता है अपर लिम का हड्डी, मतलब ऊपर वाले भाग का। लेकिन वही लोअर लिम का रहे तो 2 से 4 वीक्स हो जाता है, डबल हो जाता है। लेकिन अगर बच्चा है जो जस्ट अभी जन्म नहीं लिया है, उस जिसकी उम्र 1 साल से लेके अगर कहें कि 12-13 साल तक का है, तो कम से कम अपर लिम की हड्डी जुड़ने में, कम से कम का समय बता रहा हूँ, 3 वीक्स का लगता है। अगर वही नीचे का पैर वगैरह में के जांग में का हड्डी, पैर में का हड्डी है तो 6 वीक्स लगेगा। और वही एडल्ट है, एडल्ट भी बड़ा आदमी है तो उसमें अपर लिम का हड्डी माने हाथ की हड्डियां जुड़ने के लिए कम से कम 6 वीक्स लगेंगे, 1.5 महीना। और नीचे की हड्डी जुड़ने में उसका डबल समय यानी कि 3 महीना, 6 का 12 वीक्स हो जाता, तो 3 महीना समय लगेगा। तो एक कम से कम समय है, और इतना समय तो जुड़ने में लग जाता है। ऐसा नहीं है कि जुड़ गया तो बिल्कुल आप कामयाब हो जाते, उसके बाद से भी, क्योंकि जुड़ता कैसे है, हड्डी जुड़ता है एक जगह रहने से। अब एक जगह रखेंगे तो सब चीजें जाम भी हो जाती है, खास करके एडल्ट में सब चीजें जाम, एक जगह हाथ का यहाँ का हड्डी टूट गया, हमने प्लास्टर लगा दिया, कम से कम 3-6 हफ्ते तो प्लास्टर लगाया, 1.5 महीने तो प्लास्टर लगा के रखे, तो 1.5 महीने बाद प्लास्टर निकाला तो क्या 1.5 महीने बाद सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, उसके बाद भी इसको पूरा एक्टिव होने में, पूरा इसको काम लायक करने में भी लगभग मोटा मोटी 1.5 हफ्ते लग जाते हैं। उसी तरह से अगर पैर में का देखा जाए तो पैर में मिनिमम कितना समय लगता है, अगर कोई जवान आदमी है तो 3 महीना लगता है केवल हड्डी जुड़ने में। लेकिन क्या अच्छा होने में भी 3 महीना? हड्डी जुड़ गया, हड्डी तो इतना दिन प्लास्टर लगा चाहे जो भी है, लेकिन उसके बाद से भी ठीक होने में कम से कम उतना ही समय लग जाता है।
तो ये चीजें कि कितना समय में ठीक हो जाएगा ये हड्डी, इसका एक आंसर नहीं है और ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में। अच्छा रहेगा, अच्छा वो भी किस तरह से टूटा है, कितना बार हड्डी के टूटने की भी, मान एक ही हड्डी पैर में भी हड्डी अगर टूटी है और हड्डी टूट के कंपाउंड फ्रैक्चर है, हड्डी टूट के बाहर निकल गई है, छेद की चमड़ी बाहर निकल गई है, उसमें से खून उसका निकल गया है, तो वैसे हड्डियों को जुड़ने में ज्यादा समय लगता है। क्योंकि हड्डी जुड़ने के लिए जो सबसे मेन चीज रहता है कि हड्डी, तो वो होता है ब्लड, ब्लड ही खून ही जो रहता है ना, जो खून निकलता है वो हड्डियों के पास, वही बाद में इकट्ठा होके और उसी पे कैल्शियम ए होके वो हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है ना, जब वो फाड़ के बाहर निकल जाती है, तो जो जो खून वहां निकलता है वो भी निकल जाता है और उसके कारण से भी हड्डी जुड़ने में समय लगता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करिए, अपना कमेंट दीजिए कि आपको कोई अगर सवाल है तो जरूर हमको पूछिए। और अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात करके उनके कुछ चार्जेस हैं उसको देके आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।